रामभुवन, रामभुवन फिल्म में कुछ ऐसे दिखते थे और प्रेजेंट में इनका लुक कुछ ऐसा था। इनकी मृत्यु 2005 को हो गई थी। धनवा, धन धनवा फिल्म में कुछ ऐसे दिखते थे और प्रेजेंट में इनका लुक कुछ ऐसा है। इनका जन्म 1959 को हुआ था। विजेंद्र गाट के फिल्म में कुछ ऐसे दिखते थे और प्रेजेंट में इनका लुक कुछ ऐसा है। इनका जन्म 1950 को हुआ था। कल्पना आयर फिल्म में कुछ ऐसी दिखती थी और प्रेजेंट में इनका लुक कुछ ऐसा है। इनका जन्म 1956 को हुआ था। जसपाल संधू फिल्म में कुछ ऐसे दिखते थे। इनका जन्म 1950 को हुआ था। गुलशन कुमार फिल्म में कुछ ऐसे दिखते थे और इनकी मृत्यु 1997 को गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। चाइल्ड चड्डा फिल्म में कुछ ऐसे दिखते थे और परिणाम इनका लुक कुछ ऐसा है। इनका जन्म 1967 को हुआ था। वेवली फिल्म में कुछ ऐसी दिखती थी और प्रेजेंट में इनका लुक कुछ ऐसा है। इनका जन्म 1968 को हुआ था। अस्सी के दशक में बॉलीवुड में एक्शन फिल्मों का बोलबाला रहा। 70 में शुरू हुआ ये ट्रेंड अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बना दिया गया। लेकिन 80 का दशक विदा भी रह गया। दशकों को फिल्मों में रुझान बदल गया। शान लाया 1989 और गुलशन कुमार के हाथ लगा एक जादू का पिटारा। ये पिटारा था ऐसा एल्बम जिसमें कुल 10 गाने थे। गुलशन कुमार इस एल्बम को रिलीज कर दिया गया। एल्बम रिलीज होते ही इसके गाने पूरे देश में छा गए। करीब 2 करोड़ कैसेट इस एल्बम के हाथों हाथ बिक गए थे। फिर इसी एल्बम पर एक फिल्म बनाई गई जो सिनेमा घर में रिलीज नहीं हुई लेकिन करोड़ों की कमाई कर डाली। इसी फिल्म ने ऐसा ट्रेंड सेट किया कि 10 साल बाद जब आशिकी की रिलीज हुई तो इतिहास रच गया। 70 के दशक में बॉलीवुड में जब एक्शन फिल्मों का जलवा था तो मेलोडी कहीं सीख हो गई थी। 80 के दशक में फिर से मेलोडी गानों का ट्रेंड शुरू हुआ था और 1989 में रिलीज हुआ म्यूजिक एल्बम लाल दुपट्टा मलम का पूरे देश में छा गया। जब इस एल्बम के सारे गाने सुपरहिट हो गए तो गुलशन कुमार ने इस पर एक फिल्म बनाने का फैसला किया। लोगों ने फिल्म का खूब पसंद किया और फिल्म ने अच्छी कमाई भी कर डाली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 75 लाख रुपए में बनी इस फिल्म में करीब 2 करोड़ रुपए की कमाई की थी। अब गानों की पॉपुलरिटी कही है या फिल्म की कहानी, दर्शकों ने इस पर खूब प्यार लुटाया। फिल्म की 2 करोड़ से ज़्यादा कैसेट बिकी थी। आशिकी की फिल्म रिलीज होने के 1 साल पहले ही गुलशन कुमार ने कलाकार को यह अनूठा नमूना पेश किया था। फिल्मों में राधा असरानी ने हीरोइन का किरदार निभाया था। चाइल्ड चड्डा को फिल्म में हीरो के तौर पर कास्ट किया गया था। इस रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म के 10 में से 10 गाने हिट रहे थे। हालांकि आशिकी फिल्म की सफलता के तले ये गानों का प्रयोग दब गया था लेकिन आशिकी की पहले गुलशन कुमार ने करिश्मा कर दिया था। 40 साल बाद आज भी इस गाने के लोगों को पसंद आते हैं और गाँव अंचल में लोग अभी भी इस गानों को इन्जॉय करते हैं। इस फिल्म की सफलता ने मेकर्स को एक और फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया। फिल्म में साहिल ने हीरो का किरदार निभाया, बेवली ने हीरोइन का किरदार निभाया। फिल्म के बाद राधा असरानी ने कभी भी साहिल से बात नहीं की।
दरअसल राधा के बॉयफ्रेंड को नए लोगों के साथ घुलने मिलने में एतराज़ था। लाल दुपट्टा मलमला फिल्म के इंडस्ट्री में ट्रेंड ही बदल दिया। एक्शन फिल्मों की बजाय रोमांटिक और प्यार भरी फिल्मों में लोगों को खूब भरने लगी। इस फिल्म के एक साल बाद ही फिल्म आशिकी ने इस ट्रेंड में खूब फायदा उठाया, इतिहास रच दिया है। इसके बाद 90 के दशक में रोमांटिक सिनेमा का क्रेज शुरू हो गया। शाहरुख खान, सलमान खान से लेकर अक्षय कुमार तक सभी सितारे पर्दे पर रोमांस की तरह तरजीह देने लगे थे। फिल्में भी हिट हो रही। 1995 में आई रोमांटिक फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इसी ट्रेंड की इस्टेब्लिश कर दिया गया था।